Welcome again to our YouTube channel Ratna Tutorial. And as we know, in the previous class we have studied about esophagus and stomach. So in this class we will discussing about intestine. Okay, alimentary canal के different structures को हम लोग study कर रहे हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हुए हम लोग स्टमक तक डिस्कस कर चुके हैं. मैंने अभी तक किसी भी पार्ट का हिस्टोलॉजी आप लोगों को नहीं बताया है. ठीक है, वो हम लोग आगे करेंगे. ठीक है, इसके इसको कंप्लीट करने के बाद. तो अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टमक की. स्टमक के बाद जो अब हम लोग बात करने वाले हैं वो है इंटेस्टाइन. ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अभी इंटेस्टाइन की. एलिमेंट्री कैनाल का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है. ठीक है, यहाँ पर मोस्टली फूड का एब्जॉर्प्शन होता है. जो कुछ भी हम लोग इनटेक करते हैं एज अ फूड मटेरियल, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में ही होता है. ठीक है, सो इंटेस्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इंटेस्टाइन को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में हम लोग देखते हैं कि इंटेस्टाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, इंटेस्टाइन 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 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड द अनदर वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये है ड्यूडेनम. ड्यूडेनम एंड उसके बाद है जेजुनम एंड द थर्ड पार्ट इज इलियम. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का भी तीन पार्ट है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम. ठीक है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये हो गया पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन. ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे ड्यूडेनम की. ठीक है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन की. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम का जो लेंथ होता है वो नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है, जेजुनम 1 मीटर लॉन्ग होता है एंड इलियम 2 मीटर लॉन्ग होता है. ठीक है, ये है लेंथ किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स का. ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जेजुनम 1 मीटर लॉन्ग होता है एंड इलियम 2 मीटर लॉन्ग होता है. ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके बारे में कुछ और जानेंगे. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है एंड डायग्राम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो आप, आई होप कि आप वो सब क्लियर कर रहे हो, वो सब आप लोग देखते रहना. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टडी कैसे करनी है वो भी मैंने, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से स्ट्रेटजी को मेंटेन करते हुए आप लोग स्टडी कर सकते हो. ठीक है, ओके. तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा. ठीक है, इनिशियल पार्ट, ये है इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज वाइडेस्ट. Time.
ड्यूडेनम ही इंटेस्टाइन का एक ऐसा पार्ट है जो कि फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये कंप्लीटली फिक्स्ड होता है, डी शेप्ड होता है ऐसा, यहां से ऐसे ये स्टमक है, हाँ? और यहां से फिर ये जेजुनम, तो दिस पार्ट इज ड्यूडेनम, ठीक है, दिस पार्ट इज जेजुनम, क्लियर है। तो डेडुनम जो है वो क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है, सॉरी फिक्स पार्ट है और सबसे छोटा पार्ट भी है, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है जेजुनम, जेजुनम 1 मीटर लॉन्ग होगा, 1 मीटर लॉन्ग एंड थिनर देन ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम से थिनर पतला होता है, इसका जो जो इसका जो ल्यूमेन है, ठीक है, दिस इज ल्यूमेन, तो ल्यूमेन जो होगा इसका ड्यूडेनम से पतला होगा, सपोज ड्यूडेनम का ये ल्यूमेन है तो जेजुनम का ल्यूमेन कुछ ऐसा होगा छोटा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इलियम, और ये हाईली क्वाइल्ड होता है, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट था, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के भीतर जो हाईली क्वाइल्ड जो स्ट्रक्चर था, है ना, उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं इलियम, ठीक है, और ये होता है अप्रोक्स 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड थिनर देन ड्यूडेनम, क्लियर है। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स के बारे में। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। अब देखिए इसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करना है, तो उसके लिए सरफेस एरिया ज्यादा होगा तभी हम ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि हमको एब्जॉर्ब करना है सरफेस के थ्रू, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम हो गया तो एब्जॉर्प्शन भी कम हो गया, ठीक है। तो फॉर एफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन, फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड लार्ज सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड, ठीक है, एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन करना है फूड का तो लार्ज सरफेस एरिया का रिक्वायरमेंट होगा। अब जो लार्ज सरफेस एरिया का रिक्वायरमेंट होगा उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो कुछ एडेप्टेशंस शो करता है, ठीक है, तो फॉर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन शोस सम एडेप्टेशंस, ठीक है,
अब वो एडेप्टेशंस क्या क्या होंगे? तो सबसे पहला एडेप्टेशन क्या होता है? ग्रेट लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, देखिए सरफेस एरिया हमको बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, स्मॉल लेंथ बढ़ा दो। जब स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा तो सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो 3 to 4 meters तक होता है। ठीक है, तो 3 to 4 meters लेंथ हो गया, वो क्या करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या है कि जो म्यूकोसा लेयर है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, जो म्यूकोसा लेयर होता है उसका होता है डीप फोल्डिंग्स। तो डीप फोल्डिंग्स, डीप फोल्डिंग्स इन म्यूकोसा लेयर, इन म्यूकोसा लेयर, ठीक है, डीप फोल्डिंग्स इन म्यूकोसा लेयर, ठीक है, कॉल्ड, और इन डीप फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं, ठीक है, इन डीप फोल्डिंग्स को कहते हैं प्लीकी सर्कुलरिस, PLICAE, प्लीकी सर्कुलरिस, ठीक है, एंड प्लीकी सर्कुलरिस एंड वॉल्व्यूली कन्वेंटिनी, वॉल्व्यूली कन्वेंटिनी, ठीक है, सॉरी कॉन्वेंटी, कॉन्वेंटी, वॉल्व्यूली कॉन्वेंटी, इसी का दूसरा नाम क्या है, और वॉल्स ऑफ करकरिंग, वॉल्स ऑफ करकरिंग, ठीक है। तो ये डीप फोल्डिंग्स है म्यूकोसा लेयर में, ठीक है, म्यूकोसा का डीप फोल्डिंग्स है जिसकी वजह से क्या प्रेजेंट होगा, सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट होगा। इसके अलावा प्रेजेंट होता है विलाई एंड माइक्रो विलाई। अब देखिए सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर है, सपोज ये म्यूकोसा लेयर है तो इसमें डीप फोल्डिंग्स है, ठीक है, म्यूकोसा लेयर में क्या है, ये डीप फोल्डिंग्स है। तो एक तो कि लेंथ ज्यादा, ऊपर से डीप फोल्डिंग्स, तो डीप फोल्डिंग्स की वजह से इनर सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट हो गया, ठीक। अब देखिए इनर सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट हो गया, इसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट है विलाई और माइक्रो विलाई, तो ये न्यूमरस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे, तो उनकी वजह से इनका भी सरफेस एरिया इसमें इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ओवरऑल सरफेस एरिया में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है, और इस इंक्रीमेंट की वजह से, सरफेस एरिया में इंक्रीमेंट की वजह से मोर अमाउंट में फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और फिर हम लोग हिस्टोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आई होप कि ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा, इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब मैं आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके पहले वाले लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एज ऑलवेज, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।